सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि इससे पूर्व हमने तृतीय पाठ तक है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ज्ञान किया, आज हम लोग चतुर्थ पाठ, जिसे संस्कृत में चतुर्थ पाठ चौथा पाठ, इसका अध्ययन करेंगे, जो कि तत् ते तानि एतत् एते इतानि, अर्थात नपुंसक लिंग को जो दर्शाता है उसकी सर्वनाम जो है तत् ते तानि एतत् एते इतानि। तो यह जो है संज्ञा एवं सर्वनाम दोनों में टेबल बनती है। तो देखिए, नपुंसक लिंग क्या होते हैं जिनका हमें आभास नहीं है? क्या वह स्त्रीलिंग में है, स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं? क्या वह पुल्लिंग जाति का बोध करा रहे हैं? तो जिसका हमें आभास नहीं होता है वह क्या है? नपुंसक लिंग है। ठीक है, वह नपुंसक लिंग कहलाती है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे चतुर्थ पाठ में सह वृक्ष अस्ति। आप जब भी संस्कृत का अध्ययन करते हैं, जब भी उच्चारण करते हैं, तो शब्द में आप देखिए कि कौन सी चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अगर विसर्ग का प्रयोग हुआ है तो आप विसर्ग की ध्वनि जो है निकालेंगे स्वर, अगर हलंत का हुआ है तो हलंत का, क्योंकि उच्चारण जब हम करते हैं तो उच्चारण करते समय जैसा उच्चारण करेंगे वैसा ही हम लोगों को जो है बोलना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आया सह वृक्ष अस्ति, वह सह माने वह, वृक्ष है माने वृक्ष, अस्ति माने है, सह वृक्ष अस्ति, वह वृक्ष है, सह वृक्ष है अस्ति, वह वृक्ष है, सा लता अस्ति, वह लता है, तत् फलम अस्ति, वह फल है। तो देखो आपने एक चीज यहाँ पे आप लोगों के क्लियर हो गई होगी, सह जो है वो पुल्लिंग में आया है, सा स्त्रीलिंग में आया है, और तत् जो है वह किस में आया है? वह नपुंसक लिंग में आया है। तो सह तो ते, सा ते ता, तत् ते तानि। अब ये जो है ऊपर आपको दिख रहा है तत् ते तानि, ये तो संज्ञा है, इनके सर्वनाम क्या है? एतत् एते एतानि। अब चलिए अपन देखते हैं, एषः बालकः अस्ति। अब सह की जगह पे जब हम करेंगे तो एषः सर्वनाम टेबल आ गई है। ठीक है, एक होती है संज्ञा, संज्ञा तालिका सह होते, और एक होती है सर्वनाम एषः एतौ एता। तो एषः बालकः अस्ति, यह कौन है? यह बालक है। एषा बालिका अस्ति, यह बालिका है। एतत् मम मित्रम अस्ति, तो वह मेरा मित्र है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, जैसे सह का अर्थ होता है यह, ठीक है, यह है वह, इस तरीके से हम करते हैं सह तो ते, ये वह दोनों, वे वह सब, वह तो एषा बालक है, अस्ति यह बालक है, एषा बालिका अस्ति यह बालिका है, एतत् मम मित्रम अस्ति, यह क्या है? यह मेरा मित्र है। तो क्लियर है, एषा का अर्थ होता है यह, ठीक है, एषा बालक अस्ति यह बालक है, एषा बालिका अस्ति यह बालिका है, एतत् मम मित्रम अस्ति यह मित्र है। तो एषा का अर्थ क्या हुआ? यह। आगे देखो तत् किम अस्ति। अब यहाँ पर जो है वो प्रश्न पूछा गया है कि तत् किम अस्ति, वह कौन है? तत् पत्रम अस्ति। अब आपको एक ही पत्ता यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो तत् पत्रम अस्ति, वह पत्ता है। ठीक है, किसका पत्ता है? पेड़ का पत्ता है। तो यहाँ पे बताया नहीं गया कि क्या वो पेड़ का पत्ता है। आगे देखो पत्रम पतति, पत धातु जो है वो गिरने के अर्थ में आता है, तो पत्रम पतति पत्ता गिरता है। अगर यहाँ पर पतंती आता तो बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। ठीक है, पत्रम पतति। अब आगे देखो पत्ता गिरता है, ते के स्तः, ते के स्तः अर्थात वेदो, दे माने वेदो, ठीक है, तो वेदो के स्तः क्या है? प्रश्न पूछा गया, के माने क्या, कि वेदों नु क्या है, तो उत्तर में क्या दिया? ते पुष्पे स्तः, वेदों नु फूल है, दो फूल है। देखो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, ठीक है, तो पुष्पम माने एक वचन, पुष्पे माने द्विवचन, पुष्पाणी माने बहुवचन,
तो ती पुष्पेस्तः वह या वे दोनों जो है पुष्प है, पुष्पे रक्त वर्णेस्तः, रक्त माने लाल, कौन कैसा होता है, लाल होता है, तो पुष्पे रक्त वर्णेस्तः फूल जो है, वे दो जो फूल है वे लाल वर्ण के हैं, अर्थात लाल रंग के हैं। आगे देखो, ते केस्ते, वे दोनों क्या है, ते कंदुके स्तः, वे दोनों गेंद है, क्या है, वे दोनों गेंद है, ठीक है, तो वे दोनों गेंद है। तो इस चैप्टर के अंदर आपको संज्ञा तालिका और सर्वनाम तालिका दोनों का ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं नपुंसक लिंग की, तो नपुंसक लिंग में जो है संज्ञा तालिका बन गई हमारी तत् ते तानि, तत् का अर्थ हमने किया वह, ते का अर्थ हमने किया वे दोनों, और तानि का अर्थ किया वह सब। ये तो हो गई नपुंसक लिंग में संज्ञा तालिका। अब सर्वनाम तालिका इसकी बनाएंगे जब क्या बनेगा, एतत्, एते, एतानि, तो इसमें यह दोनों, यह सब। ओके, तो देखो क्या क्वेश्चन किया अब आगे, ते के स्थ, वे दोनों कौन है, जहां पर भी कह, के, कानी, किम ऐसे वर्ड आएंगे, ये वर्ड्स होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स। जैसे अपन लोग क्या करते हैं हिंदी में, क्या, क्यों, ऐसे प्रश्न बनते हैं, इंग्लिश में व्हाट, वेयर, हू, ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो मतलब डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। वैसे ही संस्कृत में भी जो है डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जैसे के माने कौन, प्रश्न बन गया, कानी किससे, कितने, है ना, तो इस प्रकार से हमें जो है प्रश्न जो है बनाने होते हैं। तो देखो, ते के स्तः, वे दोनों कौन है, तो कहते हैं ते कंदुके स्तः, कंदुक माने गेंद, बॉल जो होती है आप खेलते हो, तो ते वे सब क्या है, कंदुके, कंदुके माने गेंद। तो देखो यहाँ पे बहुवचन द्विवचन का भी आपको ध्यान रखना है ना, तो वह दोनों बोल हैं। अब आगे देखो, तानी कानी संति, अब ये बहुवचन में आ गया, एक वचन में एक चीज का ज्ञान हुआ, द्विवचन में दो का हुआ, और बहुवचन में बहुत सारी चीजों का हुआ, तो तानी कानी संति, वह सब क्या है, तो तानी क्या, कौन, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड है, तानी कानी संति की वह सब कौन है, तानी मम मित्राणी संति, वह सब मेरे मित्र है, ठीक है, वह सब मेरे मित्र है। अब आगे देखो, मित्राणी किम कुर्वन्ति, मित्राणी माने बहुवचन, बहुत सारे मित्र, मित्र जो है वो क्या कर रहे हैं, किम माने क्या, कुर्वन्ति माने कर रही है, तो मित्राणी किम कुर्वन्ति, जो सारे मित्र हैं वो क्या कर रहे हैं, तो क्या आंसर मिला, तानी परस्परम हसन्ति क्रीडन्ति च, चै का अर्थ होता है और, चै का क्या अर्थ होता है ना, और क्रीडन्ति माने खेलना, ये धातु रूप है, हसन्ति हसना, जैसे मैंने आपको बताया था, पढ़ से पठन्ति धातु बना, चल से चलन्ति बना, हस से हसन्ति बना, क्रीड से क्रीडन्ति बना, हमने पढ़ा था ना लट लकार, क्रीडति क्रीडते क्रीडन्ति, हस्ती हस्ते हसन्ति, पठती पठते पठन्ति, तो यहाँ पर बहुवचन हुआ, तानी परस्परम हसन्ति क्रीडन्ति च, कि वह सब जो है वो क्या कर रहे हैं, आपस में, परस्पर मतलब आपस में, वह सब आपस में हंस रहे हैं और खेल रहे हैं। तो देखो, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि संस्कृत में जो है च शब्द का मतलब होता है और, क्या मतलब होता है, और हिंदी में और बीच में आता है, संस्कृत में च शब्द बाद में आता है, परंतु उसका अर्थ जो है वो पहले ही निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके हो गया तानी परस्परम हसन्ति च, ठीक है, वह आपस में बोल रहे हैं और हंस रहे हैं। यहाँ पे आगे देखो, एष मम विद्यालय अस्ति, अब देखो
अभी अब कई बच्चे जो है यहाँ पर कंफ्यूज हुए कि तत्ते तानी का क्या अर्थ हुआ और एशा है ये सब क्या हुआ, तो सह का जो सर्वनाम है वो एशा है बनता है, एशा मम विद्यालय अस्ति, एशा सह के स्थान पे आया, एशा मम विद्यालय अस्ति, यह है मेरा विद्यालय है, तो सह माने वह और एशा माने यह है, एशा मम कक्षा अस्ति, यह है मेरी कक्षा है, तो यहाँ पर एशा जो है ये पुल्लिंग के लिए आया है और एशा जो है वो स्त्रीलिंग के लिए आया है। अब हम करेंगे नपुंसकलिंग की बात, एतत् मम गृहम, एतत्, अब आपने देखा ना तत्ते तानी ये संज्ञा है, इसका मतलब होता है वह और इसका सर्वनाम है एतत् एते एतानी, इसका मतलब होता है यह, एतत् एक वचन में है तो यह, एते द्विवचन में है तो ये दोनों, और एतानी बहुवचन में है तो यह सब, तब इसको देखो एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है, एतत् मम गृहम, यह मेरा घर, मम गृहम श्वेतम अस्ति, श्वेतम माने सफेद, श्वेत होता ना हिंदी में वैसे श्वेतम संस्कृत में, मम गृहम श्वेतम अस्ति, मेरा घर कैसा है, श्वेतम मतलब सफेद है, ठीक है, एतत् सभा भवनम, यह सभा भवन है, सभा भवन मतलब जहां पे सभाएं बड़ी बड़ी सभा होती है वह, सभा भवनम विशालम अस्ति, विशाल माने बड़ा, सभा भवनम विशालम अस्ति, सभा भवन बड़ा है, आगे देखो एते केस्त है, अब आपको पता लग गया ना एते का अर्थ क्या होता है, तो देखो एते केस्त है, यह के डब्ल्यू एच वर्ड है मतलब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो देखो एते केस्त, यह दोनों कौन है ना, यह दो क्या है, एते नैनेस्त, यह दोनों क्या है, नेत्र है, आंखें हैं, ठीक है, ये दो आंखें हैं, देखो नयनम एक आंख, नयने दो आंखें, नयनानी बहुवचन में है, तो एते नयनेस्त, ये दो क्या है, आंखें हैं, नयने किम कुरुति, आंखें जो है दोनों आंखें वो क्या करती है, एते पश्यत, ये दोनों देखती हैं, तो यहाँ पे भी धातु रूप है, पश्य धातु किसके अर्थ में आता है, देखने के अर्थ में, तो एते पश्यत, ये दोनों देख रही हैं, ठीक है, चलिए अब आगे, एते कैस्त, यह दोनों क्या है, एते कमलेस्त है, ये दोनों कमल है ना, दो कमल है, ठीक है, कमले, ये दोनों दो कमल है, कमले विकसित है, कमल क्या होते हैं, दोनों कमल क्या हो रहे हैं, खिल रहे हैं, विकसित है माने विकसित होना, खिलना, ठीक है, ये होगा, आगे चलो अब, इतानी कानी संती, इतानी कानी संती, तो देखो क्या पूछा कि यह दोनों जो है, अब यह दोनों इसका अर्थ कैसे हुआ, ये तो बहुवचन में बन गया है ना, एतत एते इतानी, तो इतानी मतलब बहुत सारे है ना, तो यह सब क्या है, इतानी चित्राणी संति, यह सब चित्राणी मतलब चित्र हैं, बहुत सारे चित्र हैं, चित्राणी सुंदराणी संति, चित्र सुंदर हैं, चित्राणी बहुत सारे जो चित्र हैं वो बहुत सुंदर हैं, चित्राणी सुंदराणी संति, इतानी कानी, यह सब क्या है, इतानी आमराणी, आमराणी माने आम, यह सब आम है, आमराणी मधुराणी संति, आम कैसे हैं, आम मीठे हैं, आम जो है वो मधुराणी, मधुराणी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मीठे, ठीक है, तो आमराणी मधुराणी संति, आम मीठे हैं, आगे देखो एतत कार यानम अस्ति, यह कार यानम अर्थात कार यान है, यान माने जो वाहन होते हैं, ठीक है, एतत कार यानम अस्ति, यह कार है, तत वायु यानम अस्ति, अब तत का मतलब क्या होता है, वह, और एतत का मतलब क्या होता है, यह, ठीक है, तो तत वायु यानम अस्ति, वह वायु यान है, जैसे इंग्लिश में आप दिस और दैट पढ़ते हो ना, यह और वह, वैसे ही संस्कृत में तत्ते तानी एतत् एतानी सेम होता है ना, तो दिस माने क्या, और जब दूर की चीज दिखानी होती है तो दैट का प्रयोग किया जाता है कि वह,
तो वैसे ही यहाँ पे बताया गया, देखो एतत दिस बन गया, एतत कार यानम अस्ति मतलब यह कार है, पास में दिखाई ना कार, फिर तत वायु यानम अस्ति तो वह वायु यान है मतलब हवाई जहाज है, ठीक है इस प्रकार से हो गया। अब आगे देखो एते कलमेस्था सैतोते एतत एते ताने एते द्विवचन है तो दो चीजें दिखा रहे हैं, यह दोनों या ये दोनों कलम है, कितने कलम है दो कलम है तो ये दो कलम है। ते पुस्तकेस्त अब ते का मतलब वह तो वह या वे दो दो पुस्तके है, पुस्तके द्विवचन है इसलिए वे दो पुस्तके है। इतानी समाचार पत्राणी संति अब देखो लास्ट आ गया एतत एते इतानी, इतानी बहुवचन में है मतलब बहुत सारे हैं, तो इतानी समाचार पत्राणी संति कि यह सब समाचार पत्र हैं। तानी दूरदर्शनानी संति, तानी माने वह है ना, तो वह जो है वो क्या है, वह दूरदर्शन है। आपने दूरदर्शन देखा होगा पहले के टाइम में, अभी तो बच्चे कम देखते हैं, सब लोग कम देखते हैं, पर दूरदर्शन जो है टीवी पर दूरदर्शन एक चैनल आता था ना दूरदर्शन, तो तानी दूरदर्शनानी संति वह दूरदर्शन है। अब देखो स्मरत जैसे आप कोई भी स्टोरी पढ़ते हो तो उसका मोरल होता है, नैतिक मूल्य होता है ना, जैसे हम कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो लास्ट में हमें उसका मोरल मिलता है कि इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिली। अब इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली, तो यहाँ पे शिक्षा तो नहीं है पर हमें याद करना पड़ेगा। स्मरत का अर्थ होता है याद करना, आपको क्या याद करना है इस पाठ में, जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं तो जब टेबल आपको सारी लर्न हो जाती है तो आप आराम से कर सकते हैं ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पे संस्कृत में अगर आप लोग ये जो स्मरत वाली चीजें मतलब याद करने जो चीजें हैं वो याद करोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। आप देखो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या याद करना है, जो मुख्य चीज है तत ते तानी एतत एते इतानी, क्योंकि हमने सिर्फ नपुंसकलिंग पढ़ा है तो तीनों का याद करेंगे हम लोग, एक तालिका बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे सह तौ ते एषः एते, ठीक है इस प्रकार से एषः एतौ एते, और फिर सातेता की टेबल बनाओ, फिर तत्तेतानी की टेबल बनाओ, तो इनकी टेबल बना करके हम इस चैप्टर को जो है वो आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि जो ये पाठ है हमारा नपुंसकलिंग चतुर्थ पाठ तत्तेतानी सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, और पाठ को सुंदर बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर जो है पिक्चर का भी उपयोग मतलब अपनी कलाकृति भी दिखा सकते हैं और सुंदर सुंदर चित्र बना करके भी पाठ को पूरा कर सकते हैं। तो हमारा चतुर्थ पाठ यहाँ पर कंप्लीट होता है और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।